श्वेत केतु कथा। ऋषि आरुणी पुत्र श्वेत केतु जब गुरुकुल से लौट कर आया तो ऋषि ने देखा कि उनके बेटे की बातों से अभिमान झलकता है। उन्होंने अपने बेटे की इस दुष्ट प्रवृत्ति को दूर करने के लिए पूछा, क्यों बेटे, क्या तुम समझते हो कि तुम सभी कुछ ज्ञान दे हो? तो बताओ, क्या तुमने वह विद्या पढ़ी है जिसके पढ़ने से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है? श्वेत केतु विचार करने के पश्चात बोला, पिताजी, वह विद्या तो मैंने नहीं पढ़ी, कृपया आप उसके विषय में मुझे बताइए। ऋषि ने कहा, मिट्टी को देखो, उससे कितनी सारी वस्तुएं बनती हैं, जैसे घड़े, कुल्लड़, कसोरे, हंडिया, मटके इत्यादि भांति भांति के खिलौने भी बनाए जाते हैं। सबके नाम अलग अलग हैं, लेकिन पानी में घुलते ही सत्य सामने आ जाता है, केवल मिट्टी। इसी प्रकार धातुओं को देखो, कितने सारे जेवर, बर्तन इत्यादि उनसे बनाए जाते हैं। स्वर्ण का तो हार, अंगूठियां, बाजूबंद, हसली, करधनी, कड़े और जाने क्या क्या बनता है। ऊपर से रूप कुछ भी हो, लेकिन मूल धातु स्वर्ण है। इसी प्रकार यह सब कुछ जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, इन सब का आधार केवल एक है और वह है सत्य। वह आत्मा जो इस सब में छिपी है, उसी से यह सब क्रियाशील है। उसी का यह सब बाह्य रूप है और उसी में यह सब मिल जाएंगे। श्वेत केतु को और समझाने के लिए कहने पर ऋषि ने पुनः उदाहरणों के द्वारा समझाने की चेष्टा की। उन्होंने श्वेत केतु से एक बरगद के वृक्ष का बीज लाने को कहा। श्वेत केतु जब बीज ले आया तो उसे तोड़ डालने के लिए आज्ञा दी। श्वेत केतु ने बीज भी तोड़ डाला, तब उसमें से अनेक छोटे छोटे दाने निकले। आरुणि ने उनमें से एक बीज को पीस डालने के लिए कहा और पूछा, पीसने के पश्चात इसमें क्या देखते हो? श्वेत केतु ने कहा, इसमें तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। आरुणि बोले, जिस वस्तु को तुम देख नहीं पा रहे हो, उसी की महिमा से ही तो यह सब, पास में ही इतना बड़ा वृक्ष खड़ा है जो इसी प्रकार के बीज में छिपा था। इस पर ही विश्वास करो, यह छिपा हुआ सूक्ष्म तत्व ही आत्मा है जो सब जगह मौजूद है, जिसकी वजह से ही ये संसार स्थित है और नेत्रों को दिखाई पड़ता है। तुम्हारे अंदर भी वही आत्मा है और उसी के कारण यह तुम्हारा शरीर ठहरा हुआ है। श्वेत केतु ने पिता से पुनः प्रार्थना की कि कृपया और समझाइए। तब पिता ने एक लोटा जल मंगवाया और अपने पुत्र को नमक की डली देकर उस लोटे में डालने का आदेश दिया। जब नमक थोड़ी देर पश्चात घुल गया तो उससे कहा कि उस नमक की डली को लोटे में से निकालो, लेकिन श्वेत केतु नमक की डली को नहीं खोज सका। आरुणी बोले, बेटे, नमक की डली पानी में घुल गई है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ती। यदि तुम इस बात को सिद्ध करना चाहते हो तो इस जल को ऊपर नीचे और बीच से चखो। श्वेत केतु ने ऐसा ही किया, प्रत्येक जगह जल नमकीन था। आरुणी बोले, जिस प्रकार सब जगह होते हुए भी नमक की डली नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार इस शरीर में आत्मा सब जगह मौजूद है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती। तुम वही हो, ये शरीर तो जड़ है, इस शरीर में जो चेतना है वह उसके ही कारण है। यह दृश्यमान जगत भी इसी प्रकार आत्मा से, उसी चेतन सत्ता से परिपूर्ण है।